हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज आपके साथ में मीशो हॉल शेयर करने वाली हूँ। सो अभी करवा चौथ आ रहा था, उसके लिए स्पेशली मैंने सोचा एक हॉल आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जिससे करवा चौथ के रिलेटेड मैं सारी ज्वेलरी आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे पास बहुत सारा ज्वेलरी कलेक्शन है, जिसमें से मैंने बहुत चुन चुन के आपके लिए 10 से 11 पीस निकाले हैं, जो आप इस करवा चौथ पे डेफिनेटली इनमें से कुछ आपको पसंद आ ही जाएगा। सारे मीशो से हैं, सारे ही अफोर्डेबल हैं। सो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल के साथ साथ काफी ज्यादा एलिगेंट पीसेस हैं, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ, इनकेस अगर आप ढूंढ रहे कुछ अफोर्डेबल प्राइस में तो आपको हेल्प हो जाएगी। सो चलिए गाइस, वन बाय वन आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ ज्वेलरी पीसेस। सो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट प्यारा सा जरूर करना। सो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला जो ज्वेलरी पीस मैं शेयर करने वाली हूँ, बहुत ज्यादा ये एलिगेंट सा है, मतलब बहुत लाइट वेट है, सिंपल सा है। इस टाइप से आपको ये नेकलेस सेट मिलेगा। तो इसमें मैंने एक मेकअप लुक भी निकाला है, अगर आपने नहीं देखा देख लेना। सबसे पहले इसमें आपको एक नेकलेस सेट मिल जाएगा, जिसके ऊपर इस टाइप का कुछ वर्क हो रखा है। इसमें ये गोल्डन कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं, बीच में यहाँ पर आपको रेड कलर के वेलवेट के रोजेस मिल जाएंगे। सो बहुत प्यारा ये नेकलेस है, बहुत एलिगेंट पीस है, छोटू सा है। अगर आप डे टाइम में तैयार हो रहे हैं, मतलब होता है ना डे टाइम में थोड़ा सा लाइट मेकअप करती हैं, लाइट ज्वेलरी पहनते हैं, और रात को जब पूरा प्रॉपर तैयार होते हैं तो तब हैवी ज्वेलरी पहनते हैं, तो आप डे टाइम में इसको पहन सकते हो। वैसे भी अगर आपको बहुत ज़्यादा वो हैवी हैवी वाले नेकलेस सेट पसंद नहीं आते हैं, नहीं पहनना पसंद है, तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करो। रेड कलर का है, आपके रेड कलर का, अगर आप मोस्टली रेड कलर का आउटफिट ही पहनते हैं करवा चौथ पे, तो आपका ये डेफिनेटली चल जाएगा। इयररिंग भी बहुत ज़्यादा इसके छोटे छोटे से हैं, बहुत क्यूट से हैं। इसमें भी आपको साइड में स्टोन लगे हैं गोल्डन कलर के, बीच में एक वेलवेट का रोज लगा हुआ है, नीचे भी पर्ल्स लगे हुए हैं। सो ओवरऑल पीस काफी अच्छा है, काफी अफोर्डेबल है। ये तो आई थिंक आपको अंडर 150 ही मिल जाएगा, बहुत प्यारा है। प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है आई है। सो फर्स्ट पीस हमारा ये है, जिसको मेरी तरफ से हाईली हाईली थम्स अप है। नेक्स्ट जो पीस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो अगेन मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है ना, पिंक एंड ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में है। ये भी बहुत प्यारा चोकर स्टाइल में नेकलेस है, एंड बहुत ज्यादा ये मतलब आपके पूरे नेक को कवर करता है। इसका कुछ लुक आता है, इसमें आपको ये सारे पिंक एंड ग्रीन कलर के स्टोन्स लगे हुए मिलेंगे, बीच में यहाँ पर व्हाइट कलर के पर्ल्स भी लगे हुए हैं, नीचे यहाँ पर इस टाइप की कुछ लड़ियाँ लगी हुई हैं, पर्ल्स हैंगिंग है। सो ओवरऑल पीस ये भी बहुत अच्छा है, एंड इस टाइप से आपके नेक भी आएगा। इसमें आपको बहुत लाइट वेट से इयररिंग मिलेंगे, छोटू छोटू से झुमकी स्टाइल में, कलर के ऊपर स्टोन्स लगे हुए हैं, नीचे यहाँ पर व्हाइट कलर के पर्ल्स लगे हुए हैं। बहुत प्यारा पीस है, एंड इसको भी आप डेफिनेटली ले सकते हो, क्वालिटी इसकी भी काफी अच्छी है, इसको भी आप डेफिनेटली ले सकते हो, मेरी तरफ से इसको भी थम्स अप है। अगला जो पीस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो बहुत प्यारा है, ये आपकी हर आउटफिट के साथ चल जाएगा। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या ज्वेलरी पहने, तो आप ये वाला ले लो, आपकी हर आउटफिट के साथ बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। अगर आप कुछ लहंगा भी पहन रहे हो, गाउन पहन रहे हो करवा चौथ पे, या कुछ ऐसी कुछ ड्रेस पहन रहे हो, सूट पहन रहे हो, साड़ी पहन रहे हो, तो सबके साथ ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। इस टाइप से इसका कुछ लुक आएगा, आप देख लो, बीच में एक बड़ा सा स्टोन है, उसके साइड में छोटे छोटे स्टोन्स लगे हुए हैं, वर्क हो रखा है, साइड में ये सारे मोतियों की लड़ियाँ हैं, ये छोटे 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 मोती पिरोए गए हैं, उसकी लड़ियाँ लगी हुई हैं, पीछे बहुत गुड क्वालिटी की आपको डोरी मिल जाएगी। इसके साथ कुछ ऐसे इयररिंग आती है सेम डिजाइन की, आप देख लो, तो ओवरऑल ये भी पीस बहुत अच्छा है, इसको भी आप डेफिनेटली ले सकते हो, मेरी तरफ से इसको भी थम्स अप है। कि बात अगर आप कुछ रेड कलर का पहन रहे हो, रेड एंड ग्रीन का, तो इसको आप डेफिनेटली ले सकते हो। ये आपने देखा होगा, मैंने इसके साथ एक मेकअप लुक भी शेयर किया है, नहीं देखा देख लेना, मैं साइड भी पिक लगाऊंगी। तो ये रेड एंड ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में आता है, तो बहुत प्यारा है, इसको आप जरूर लेना, बहुत हैवी है। तो अगर आप कुछ ऐसा हैवी सा ढूंढ रहे हो अफोर्डेबल प्राइस में, अंडर 300 ही आपको मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मीशो पे मिलेगा। चोकर स्टाइल में आता है, पूरा भरा हुआ नेकलेस है, आप देख लो, इस टाइप से आपकी नेक के साथ ये चिपक जाता है, नीचे ये पर्ल्स हैंगिंग होती हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। सारा इसमें कुंदन का वर्क हो रखा है गोल्डन कलर के, बीच में ये रेड एंड ग्रीन कलर के इसमें स्टोन भी लगे हुए हैं, नीचे पर्ल्स हैं रेड एंड ग्रीन कलर के। ओवरऑल पीस बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है पहनने में, बैक साइड से इसका इस टाइप का कुछ लुक आएगा, तो फ्रंट से कुछ ऐसा है, बहुत प्यारा है। सो ये ओवरऑल पीस काफ़ी अच्छा है, इसके साथ मांगटिका भी आता है, एयरिंग्स भी आते हैं, तो मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। सो इस टाइप से कुछ आपको इसमें इयररिंग्स मिल जाएंगे, बहुत प्यारे हैं। ऐसा नहीं कि इयररिंग छोटू से हैं, क्योंकि नेकलेस काफ़ी हैवी है, नहीं, इयररिंग भी इसके काफ़ी ज़्यादा साइज इसका अच्छा है, आप देख लो, इसको आप सिंगल भी पहन सकते हो, कहीं भी अगर आप सूट के साथ कहीं और फंक्शन में, छोटे मोटे फंक्शन में इसको आप सिंगल भी पहन सकते हो बिना नेकलेस के, काफ़ी ब्यूटीफुल लगेंगे। नहीं तो आप इयररिंग के साथ मांग टीका को कैरी कर सकते हो, ऐसे आप अलग अलग लुक कर सकते हो, आप अलग अलग ड्रेसेस के साथ, मैं आपको ऐसे आइडिया दे रही हूँ। बाकी अगर आप पूरा करवा चौथ
ये पूरा सेट पहनोगे विद नेकलेस विद इयररिंग विद मांग टीका तो बहुत प्यारा लुक आने वाला है। इसको आप ज़रूर लेना अगर आप इस टाइप का कुछ पहन रहे हो। इसका मांग टीका भी आप देख लो, इस टाइप से इसके ऊपर चेन लगी हुई है। इसका वर्क भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, इसमें भी सेम ही वर्क हो रखा है जो नेकलेस में है। बाकी ओवरऑल पीस काफ़ी अच्छा है, इसको आप डेफिनेटली लेना, डेफिनेटली मेरे कहने पर इसको ले लेना। इसको भी मेरी तरफ से थम्स अप है, बड़ा वाला इसको आप ज़रूर ले सकते हो। जो नेकलेस है वो है ये इस टाइप का, ये बहुत प्यारा है एंड ये भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मैंने लिया था मीशो से। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, ये आई थिंक अंडर 150, आई थिंक अंडर 200, 150 के अराउंड ही मैंने इसको लिया है एंड इसकी क्वालिटी A1 आई है। बहुत प्यारी इसकी क्वालिटी, काफ़ी स्टर्डी नेकलेस है इस टाइप से। इसका बीच में डिज़ाइन आपको पर्ल्स लगे हुए हैं, साइड पे भी ये पर्ल्स की लड़ियाँ लगी हुई हैं, चोकर स्टाइल में ही आता है एंड बहुत प्यारा लगता है पहनने के बाद। ये भी आपकी किसी भी आउटफिट के साथ चला जाएगा, कुछ भी आप अगर आप साड़ी या लहंगा भी पहन रहे हो तो उसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा, सूट के साथ ड्रेस के साथ तो अच्छा लगेगा ही। काफ़ी अच्छा है, डोरी भी काफ़ी गुड क्वालिटी की इसमें आपको मिलेगी गोल्डन एंड इसका जो गोल्डन कलर है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा सटल सा गोल्डन कलर नहीं होता वो वाला है, बहुत ज़्यादा वो चटक सा गोल्डन कलर नहीं है जो बहुत ज़्यादा फेक लगता है। काफ़ी रॉयल पीस है, इसको आप ज़रूर ले सकते हो। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट एयरिंग आपको इसमें मिलेंगे राउंड शेप में, इस पर भी पूरा पर्ल्स का काम हो रखा है तो ओवरऑल पीस ये भी काफ़ी अच्छा है, इसको आप डेफिनेटली ले सकते हो। मेरा ये बहुत फेवरेट है, इसको भी मेरी तरफ से थम्स अप है। नेक्स्ट जो मैं पीस शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट सा है, अच्छा सा है, सिंपल सा है बट बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। येल्लो कलर में ये मिलेगा आपको, अगर आप कुछ ऐसा येल्लो कलर का आउटफिट पहन रहे हो या कोई भी ऐसा आउटफिट है जिसमें येल्लो कलर का कुछ वर्क हो रखा है तो इस टाइप का आप पहन सकते हो। ये पूरा ना वो मैंगो येलो, मैंगो का कलर नहीं होता येलो, सेम वैसा ही कलर है जिसके ऊपर इस टाइप का वर्क हो रखा है। बीच में गोल सा एक स्टोन लगा हुआ है बड़ा सा, उसमें छोटे छोटे स्टोन्स हैं येलो कलर के, वाइट कलर के, साइड में येलो कलर के पर्ल्स हैं। बहुत प्यारा है, बहुत सिंपल सा है, बहुत लाइट वेट है, आप देख सकती हो एकदम पता भी नहीं चलता कि आपने कुछ पहना है। गोल से इसमें आपको राउंड शेप में इयरिंग मिलेंगे सिंपल से, जिसको आप सिंपल किसी कुर्ती के साथ भी वेयर कर सकते हो। सो ये भी पीस काफ़ी अच्छा है, पहना हुआ काफ़ी अच्छा लगता है, लाइट वेट है, एलिगेंट लगता है, क्यूट लगता है, बहुत सिंपल सा है बट इसको अगर आप कुछ ऐसा हैवी नहीं पहनना चाहते हो डे टाइम में, स्पेशली अगर आप मेकअप कर रहे हो तो इसको आप पहन सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट ये है। नेक्स्ट मैं एक आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल सा है, एलिगेंट लगता है अगर आप कुछ हैवी नहीं पहन रहे हो। अगेन जैसे मैंने कहा इसके साथ मुझे एक फ्री गिफ्ट भी मिला था, छोटे से इयरिंग इसके साथ फ्री गिफ्ट आए थे जिसको मैंने अभी तक पहना नहीं है। सबसे पहले आप नेकलेस देख लो, इस टाइप का इसमें आपको नेकलेस मिलेगा, ये गोल्डन एंड वाइट कलर का ये कॉम्बिनेशन है, इसमें वाइट कलर के स्टोन्स लगे हुए, सारा कुंदन का वर्क हो रखा है, बहुत फाइन वर्क हो रखा है इसमें, आप देख लो इतना ज़्यादा गुड क्वालिटी का वर्क हो रखा है एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको इतना अच्छा नेकलेस मिल रहा है। सो इसको आप ज़रूर ले लो, काफ़ी अच्छा लगेगा एंड इसके साथ मैंने एक राखी मेकअप लुक किया था, अगर आपको याद होगा तो वो आप देख लेना, चोकर स्टाइल में आएगा, बहुत प्यारा लगेगा। इसको आप एज अ हेड ज्वेलरी भी वेयर कर सकती हो, यहाँ पर वो चलता नहीं आजकल वो हेड पे लगाते हैं शीश फूल आई थिंक उसको कहते हैं, तो उसकी तरह भी आप इसको वेयर कर सकती हो। इसका भी जो गोल्डन कलर है बहुत ज़्यादा वो चटक वाला गोल्डन कलर नहीं है, बिल्कुल सटल सा गोल्डन, आप देख लो। छोटे छोटे से इसमें क्यूट से इयरिंग भी मिलेंगे। सो डे टाइम में अगर आप पहन रहे हो तो ये वाला नेकलेस बेस्ट है। सो डे टाइम में अगर आप हल्का सा तैयार हो रहे हो तो उसमें आप इसको पहन सकते हो, ब्यूटी फुल लगेगा, इसको आप डेफिनेटली ले सकते हो आपके किसी भी आउटफिट के साथ, अगेन ये चला जाएगा। सो ये इसको भी मेरी तरफ से थम्स अप है। नेक्स्ट जो मैं नेकलेस शेयर करने वाली हूँ ये लास्ट नेकलेस है इस हॉल का, तो ये बहुत प्यारा है, ये तो एक पूरा ब्राइडल सेट काइंड ऑफ है, बहुत प्यारा है, इसको भी आपको शेयर करती हूँ। ये तो आप जरूर ले लेना अगर आपको कुछ ऐसा हैवी सा ढूंढ रहे हो। गोल्डन एंड वाइट कलर का है, इसमें कलर्स भी आपको मिल जाएंगे, आई थिंक रेड एंड ग्रीन कलर इसमें अवेलेबल है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो ये पूरा कंप्लीट बहुत हैवी सेट है गाइज, इसको भी मैंने अपना एक लुक शेयर किया है आपके साथ, वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक आई थिंक मैंने एक शेयर किया था लहंगा के साथ, तो आपने नहीं देखा देख लेना, मैं साइड पे पिक लगाऊंगी। तो ये बहुत ब्यूटीफुल नेकलेस है इस टाइप से, इसमें आपको देख लो कुंदन्स का वर्क हो रखा है, वाइट कलर के गोल्डन कलर के इसमें पर्ल्स लगे हुए हैं, नीचे की तरफ इस टाइप का कुछ ये हैंगिंग है, इस पर भी पूरा वैसा वर्क हो रखा है, तो ओवरऑल पीस ये काफ़ी अच्छा है, चोकर स्टाइल में आएगा, पूरी आपकी नेक को कवर करेगा। सो इसको आप डेफिनेटली लेना गाइस, ये बहुत प्यारा है, ये मेरा बहुत फेवरेट है, इसको मैंने अभी तक कहीं भी बाहर नहीं पहना है, एक आध बार मैंने इसको मेकअप लुक में ही पहना है अपने, तो मैं इसको डेफिनेटली अपने किसी
पार्टी शादी में कहीं जाऊंगी तो पहनूंगी अपना लहंगा के साथ। इस टाइप के इसमें आपको इयरिंग मिल जाएंगे, आप ऐसे ही देख लो, मैं आपको दिखा देती हूँ। सेम इस पे भी वर्क हो रखा है तो ठीक है, कुंदन्स का एंड पर्ल्स का गोल्डन कलर का वर्क हो रखा है। इसका मांग टीका भी बहुत प्यारा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें आपको इस टाइप का मांग टीका भी मिलेगा जिसपे इस टाइप का कुंदन का एंड पर्ल का वर्क हो रखा है, तो बहुत प्यारा ये ओवरऑल पीस आपको मिलेगा। तो इसको आप डेफिनेटली लेना अगर आप कुछ हैवी सा लुक कर रहे हो करवा चौथ पे, इस करवा चौथ पे तो बहुत प्यारा लगता है। आपके किसी भी सूट के साथ, साड़ी के साथ तो अच्छा लगेगा, लहंगा के साथ भी अच्छा लगेगा, तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो। मेरी तरफ से इसको बिग वाला थम्स अप है, आप इसको डेफिनेटली लेना। सो मैं आपको सारे जो लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेकआउट जरूर कर लेना। सो इसका जो वर्क है बहुत नीट एंड क्लीन वर्क हो रखा है पूरा ना, बहुत ज़्यादा ये ऐसे आप देख लो, बहुत ज़्यादा वो अकड़ाऊ सा नहीं है, तो आपकी नेक के अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा। अगर आपकी नेक बड़ी है छोटी है तो उस अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता है आपकी नेक पे। सो ये भी मेरी तरफ से हाईली रेकमेंडेड है, इसको आप ले सकते हैं। आपके साथ चूड़ा भी शेयर कर देती हूँ। ऑब्वियसली हम करवा चौथ लुक कर रहे हैं तो चूड़ा एंड बैंगल्स तो मस्ट हैं, तो मैं आपके साथ एक चूड़ा शेयर कर देती हूँ। वैसे मैंने चूड़ा हॉल मीशो का एक अलग से आपके साथ शेयर किया है, मैं लिंक डाल दूंगी उस वीडियो का, आप देख लेना। बहुत अच्छे अच्छे मैंने उसमें चूड़ा सेट आपको शेयर किए हैं, करवा चौथ के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है, तो वो आप वीडियो देख लेना। इस हॉल में जो उस हॉल का मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट था वो इस हॉल में मैंने इंक्लूड किया है। ये वाला जो चूड़ा सेट है मुझे उस चार पांच आई थिंक मैंने उसके उसमें आपके साथ शेयर किए थे, ये वाला मुझे सबसे बेस्ट लगा था, तो ये मैंने सोचा इस हॉल में आपके साथ डेफिनेटली मैं शेयर करती हूँ। ये बहुत ब्यूटीफुल है गाइस, बहुत ब्यूटीफुल है, आप देखो, बट ये बहुत अच्छा है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ओवरऑल देख लो, ये बहुत प्यारा पीस है गाइस, इसको आप जरूर लेना, जरूर लेना। इसमें आपको इस टाइप के कुछ कड़े मिल जाएंगे एंड इस पे इस टाइप का कुंदन का पूरा वर्क हो रखा है, बीच में इस टाइप की पतली पतली आपको बैंगल्स मिल जाएंगे जिसपे भी स्टोन का वर्क हो रखा है। ग्रीन कलर की बैंगल्स है जिसमें अभी कुंदन लगे हुए हैं, बीच में एक बड़ा सा प्लास्टिक का कड़ा है जिसपे वो जिसके ऊपर ये स्टोन्स लगे हुए हैं एंड ये ग्लू से चिपकाए गए हैं एंड ये गोल्डन कलर के छोटे छोटे डॉट्स लगाए गए हैं एंड ओवरऑल पीस काफ़ी अच्छा है गाइस। मैं आपको पहन के भी साइड पे दिखाऊंगी कैसा लगता है। सो ये बहुत अच्छा है गाइस, इसको आप ज़रूर लेना। आपको अगर आप कुछ ऐसा अच्छा सा चूड़ा ढूंढ रहे हो अफोर्डेबल प्राइस में, ये बहुत अफोर्डेबल है, 350 के अराउंड आपको मिल जाएगा, अंडर 350 ही आई थिंक मिल जाएगा, तो आप इसको ज़रूर ले सकते हो। इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट था उस हॉल में, तो मैंने सोचा इस हॉल में इसको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। इसको आप ले लोगे तो आप रिग्रेट नहीं करोगे, मेरे कहने पे ले लेना, मेरी तरफ से आपको हाईली रिकमेंड है। सो सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सारी ज्वेलरी के, आप जरूर चेकआउट करना। सो या गाइस दैट्स इट फॉर दिस हॉल वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी। सो मैं सारी जो ज्वेलरी है इनके जो लिंक्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, चेकआउट जरूर कर लेना। कोई आउट ऑफ स्टॉक होगी होगी तो मुझे नहीं पता, मैं उसका भी कोड आपको डाल दूंगी, तो अगर आप देख लेना जब स्टॉक में आती है तो तब आप परचेज कर सकते हो। सो या गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर करना वीडियो कैसी लगी, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।